कानून का पालन कर रहे हैं, और एक बार बार सरकार एक बात कहती है कि चंद्रशेखर भड़काऊ भाषण देते हैं, और भड़काऊ भाषण मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंबल पढ़ता हूँ, तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ना इस देश में भड़काऊ भाषण नहीं हो सकता। जिन लोगों को लगता है तो उनके मन में ये सवाल पैदा होगा कि वो मनुस्मृति को संविधान मान बैठे हैं, ये गलत है, ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए सब लोगों का। देश कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा और सरकारों के मुकदमों से नहीं डरते। आज मुल्क को बचाने की लड़ाई है, तो सबसे बड़ा मुल्क है, हमारे लोग हैं, हमारा अमन भाईचारा एकता है, उसको कामयाब करने के लिए जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी सहेंगे, और भी सरकार जो कुछ करना चाहे उसके लिए भी तैयार है। एक ही इस कानून से जो है किसी की नागरिकता नहीं जा रही, उनका कहना है जी, इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जा रही, बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है, तो आप क्यों परेशान हैं इसको लेकर? देखिए, झूठ चलेगा नहीं, मार्केट में बहुत दिन चल गया उनका झूठ, और ये मैं नहीं, पूरे मुल्क के लोग विरोध कर रहे हैं। केरल जहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ मैं 3 बार जा चुका हूँ, और 5-5 लाख लोग रैलियों में आए हैं। वो इसी वजह से आए हैं कि वो सब लोग पढ़े लिखे लोग जान चुके हैं, जो झूठ ये फैला रहे हैं कि लेने का नहीं देने का है, ये झूठ है, इससे सबकी नागरिकता जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एंटी बीजेपी है उसकी जानबूझकर ये नागरिकता लेंगे, जैसे मुस्लिम हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक, उनकी ये बड़े पैमाने पर नागरिकता छीन लेंगे। क्योंकि जिस दिन वो, ये एक इनका वर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने स्पेशल तौर पर कहा कि जैसे आप जो नॉन मुस्लिम हैं उनको नागरिकता के लिए डरने जरूरी, वो अप्लीकेशन करें, और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहाँ अप्लीकेशन करेंगे तुरंत वो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो इस देश में शरणार्थी हैं, और शरणार्थी इस देश में रेजिडेंट्स तो हो सकता है, वो यहाँ रह सकता है जैसे अमेरिका का व्यक्ति भी आकर रह ले, लेकिन वो यहाँ का निवासी नहीं हो सकता, नागरिक नहीं हो सकता, उसके कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं बचेंगे। जो सबसे बड़ा दलितों पर हथियार है वोट का अधिकार, वो नहीं बचेगा, मुसलमानों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर। आप ये देखिए, जिस दिन जामा मस्जिद का आंदोलन हुआ था उस दिन 3 बार गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटमेंट बदला। पहला बयान उनका ये था कि हम तो 1971 के बाद के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा बयान ये था रात को 10 बजे कि हम 1987 के बाद तक के भी चलेंगे, और फिर उनका एक और स्टेटमेंट ये था कि 2014 से पहले भी हम लोग वो कर रहे हैं, इसमें कोई किसी की नागरिकता जाएगी नहीं। तो वो डरते हैं आंदोलन से, इसलिए गोली से और लाठी से, जेल से आवाज़ दबा रहे हैं। ये देश जब आज़ाद हुआ तो यहाँ आंदोलन ही चल रहे थे, तो कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन पर बड़ी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर को, गृह मंत्री को, उनके मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए। आपके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है जी, और ऐसा बार बार आप लोग भी कहते रहे, और भी लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार है वो सरकार संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके काम कर रही है। जितने भी कानून सरकार ने बनाए वो सारे इसके मूल भावना के खिलाफ जाके बनाए, और इसीलिए मुल्क में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि सब लोग इस देश के आईन से, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से प्यार करते हैं, और वो इसी से चाहते हैं कि इससे मुल्क चले, क्योंकि ये सबको बराबरी का अधिकार देता है, और सबको किसी भी धार्मिक आधार पर किसी भी कानून को मान्यता नहीं देता, इसलिए सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं आज पूरे देश में। ऐसा देखा जा रहा है कि नॉर्मली जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ कहीं भी ये सीए के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उसमें सिर्फ मुसलमान निकल के सामने आ रहे हैं, आपके बहुजन समाज के लोग सामने इस तादाद में नहीं आ पा रहे जिस तादाद में आना चाहिए था, मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा, आप भी राजस्थान से बाहर चल के देखें, मध्य प्रदेश से, भीम आर्मी 70 से ज़्यादा जगह पर खुद अपने आप प्रोटेस्ट कर रही है, जिसमें सब लोग आते हैं, और मैं बिहार गया था, बिहार में 40 से ज़्यादा बीमारी प्रोटेस्ट कर रही है, और एक कलियर शरीफ एक जगह है वहाँ बीमारमी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अभी आज भी जो रैली है वो बीमारमी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ा नुकसान किसे होने वाला है, तो अपने लोगों की आवाज़ उठाना आज बहुत ज़रूरी है, और संविधान का हनन करना भाजपा का लक्ष्य है, क्योंकि RSS कभी भी संविधान को नहीं एक्सेप्ट किया, और ना इस देश के तिरंगे को, तो वो ख़त्म करना चाहते हैं, हम बचाना चाहते हैं, और मुल्क की एकता, मुल्क का भाईचारा और मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा जरूरी है। साइन बाग के आंदोलन इसलिए चल रहे हैं क्योंकि जनता चला रही है, कि राजनीतिक पार्टियां तब तक चलाएंगी जब तक उनको फ़ायदा नुकसान दिखेगा उसमें, जहाँ उनका फ़ायदा नुकसान खत्म हुआ तो पीछे लौट जाएंगे, तो हमें इस मुल्क को बचाना, और ऐसे ही पहले आंदोलन हुए तो किसी पार्टी के बैनर पर नहीं हुए, जब गौर अंग्रेजों को भगाया गया था, तो आवाम का आंदोलन, आवाम तय करेगी क्या होगा, और जो भी कोई बातचीत होगी वो आवाम के सामने होगी। अभी विदेश मंत्री कह रहे थे इस बात को कि बातचीत करनी चाहिए साइन बाग के लोगों को, तो उन्होंने हमसे कहा, तो हमने कहा जो भी बात होगी यहाँ होगी खुले में, कोई पीछे बात नहीं होगी, और हम ये चाहते हैं बात तब होगी जब ये CAA वापस लेंगे। तो आप किस पार्टी को समर्थन कर रहे थे? मैं मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को समर्थन कर रहा था, और मैंने एक अपील भी की थी, आप चेक करेंगे आपको मिलेगी मेरे ट्विटर अकाउंट पर, कि इस बार सिर्फ और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट करें, क्योंकि भाजपा को हराना जरूरी है,
मुल्क को वो तोड़ना चाहते हैं, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करना चाहते हैं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भीम आर्मी को क्या है? पॉलिटिकल पार्टी माने या एक सोशल इवेंट माने? अभी भीम आर्मी मुल्क को बचाने की लड़ाई लड़ रही है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसके लिए भीम आर्मी का निर्माण हुआ था। भीम आर्मी की जो टीम है उसके अलग अलग, आप क्या भीम, जब आप अम्बेडकर को मानते हैं क्या गांधी जी को भी मानते हैं? मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूँ। गांधी जी को भी मैंने क्या कहा आपको, ये आप तय नहीं करेंगे मैं किसे मानूंगा। भीम आर्मी बहुत जल्द एक सियासी स्वरूप ले रही है और बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकारों के लिए, उनको गरीब लोगों को राजनीति बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। क्या उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री से बात करेंगे? ये इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ बहुजनों का राज दिल्ली में भी आए तो यूपी से खाम नहीं चलेगा। मैं तो मध्य प्रदेश में भी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ झूठे वादे हुए बहुत ज्यादा। 2 अप्रैल पे जो लोग, जिन लोगों को 2 अप्रैल पे मारा गया था, जिन लोगों को सताया गया, जिनको मुकदमे लगाए गए थे, आज भी हमारे अधिकारी कर्मचारी त्रस्त हैं। सरकार अभी भी वादे कर रही है, सरकार को भी अब सामना करना पड़ेगा बहुजनों का। काशीराम को आप आदर्श मानते हैं लेकिन मायावती से को इग्नोर करते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आपके कई बयानों में ये बात आई है कि जिस जगह पे दलित होना चाहिए था आज वहां नहीं है, तो जो उनकी कोशिश है क्या उसको नाकाम मानते हैं? माननीय साहब काशीराम मेरे आदर्श हैं और मैंने कभी उन्हें इग्नोर नहीं किया। मैंने अभी एक लेटर लिखा था, मुझे लग नहीं रहा मध्य प्रदेश की मीडिया इतनी पीछे कैसे चल रही है। मैंने अभी लेटर लिखा था कि हम सब लोग मिलकर काम करना चाहते हैं और वो पूरा उस पर बहुत बवाल भी हुआ था लेकिन उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा। हम जोड़ के काम करना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुजनों का व्यक्तिगत रूप से नहीं, बहुजन समाज का अधिकार चाहिए इस देश में। तो मुझे उम्मीद है कि अगर वो नहीं मानती तो बाकी युवा और पूरा समाज तैयार है, क्योंकि अब हम अपनी हिस्सेदारी को खो नहीं सकते और हम उन लोगों को समर्थन नहीं करेंगे जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का और 3 तलाक और इन सब मुद्दों पे जो अपने लोग खेल के लिए चुप रह जाते हैं। हम उन लोगों का उनके लिए काम करेंगे जिनको बेसिकली जरूरत है। अच्छा, हम फिर बात करते हैं सीए की जी। अगर लगातार विरोध के बावजूद भी सरकार अपने मूल उद्देश्य से पीछे नहीं हटती है तो भीम आर्मी क्या करेगी उसको? भीम आर्मी जन आंदोलन का ही एक रास्ता है, उसको ही अपनाएगी और हमने बहुत अच्छे अच्छे लोग पीछे हटते देखे हैं। ये तो बहुत छोटे से लोग हैं घबराए हुए, इनको इसलिए ताकतवर नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिल्ली के चुनाव में मैंने सड़कों पर देखे इनको घूमते हुए, तो इनको ज़्यादा ताकतवर समझने की भूल ना करें। मीडिया भी ये दबाव बनाते हैं और गीदड़ भपकी देते हैं, उसमें ना आए आप लोग। जनता के आंदोलन के आगे सब लोग झुकते हैं, जनता ने तो बनाई थी सरकार, ये तो ये सरकार ने अभी दिल्ली में आज ही तो दिया है ना। लगातार आपको कहीं मामले दर्ज किए जा रहे हैं, कहीं आपको जेल में डाला जा रहा है, इन 2 महीने के अंदर जिस तरीके से आपके साथ घटनाएं हुई, क्या आपको लगता है कि उसके बाद आप उभर पाएंगे, भीम आर्मी कहीं आ पाएगी? भीम आर्मी कोई एक सिंगल व्यक्ति नहीं है जनता का, बहुत सारी बड़ी टीम है और वो सब लोग चिंतित हैं भी मूवमेंट को लेके कि बहुजन मूवमेंट किस तरह आगे बढ़े। तो एक चंद्रशेखर के जाने से फर्क नहीं पड़ता, मैं सारी उम्र भी जेल में रह सकता हूं अगर हमारे लोगों के अधिकार मिलते रहे। आप राम का काम करने लेंगे, अपने आगे नाम आपने रावण लगा रखा है, ये इसके पीछे क्या? ये आपकी भावना हो सकती है, मेरी भावना बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़ी है। मैं उसी रास्ते को मानता हूं और मुझे लगता है आंदोलन से, जन आंदोलन करके हम अपने लोगों को अधिकार दिला सकते हैं। अभी हमें लोगों में जागृति करने की जरूरत है, अभी जागृति नहीं है। लोग उनको शोषक को ही अपना रहनुमा समझ बैठे हैं, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है। हमारे लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट की यहाँ पर कि बीजेपी से मुक्ति मिलेगी, इनको नहीं पता कांग्रेस भी इन्हें मारेगी। अब हम दोनों से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे।